क्या करने का प्रोग्राम है आज? चलो मेरा मिलते तो हैं। कोई वहां भी, ये तो खदीजा और उस्मान आएंगे, दोनों बहन भाई बोर्ड में बैठे बैंक हैं। ये कि कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा नहीं छुट्टियां 2 4 दिन की छुट्टियां, बाकी जो कोई छुट्टियां हैं। ये स्कूल में बस ये बात है, इसके बाद हमने ना अब करना है टाउन वेव लाइट मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार फॉर्मेशन रिसर्च कर रहा है ना रेडियो। वो एंड्रू को पता ये 6 चीजें, इनमें से लाइट करंट लाइट थोड़ी सी लंबी है, छोटी है लेकिन एज कम्पेयर टू दैट बाकी सारे टॉपिक छोटे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जरा लंबा है बस, बाकी छोटे छोटे हैं। यूं समझो कि लाइट हमारा ये लाइट के साथ एक और टॉपिक ऐड करना पड़ेगा तो 2 वीक्स ये चलेगा, 2 वीक्स हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिला के चलेगा ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी 1 वीक और वेव्स साउंड एंड स्टार फॉर्मेशन ये शायद एक या बस हमारा जनवरी में हमारा टारगेट इंशाल्लाह है कि हम सर इसको कंप्लीट पास्ट में सेशन कब होगा? 1 फरवरी से कर देंगे या 15 फरवरी से, वो वन आता है या फिर लंबा थोड़ा लंबा चलाना चाहिए। जो कितने पास होगा सर? नहीं बताओ उसमें मैं कोई करता हूँ, हमें लगते हैं 1 हफ्ता पूरा लगता है पास पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके को देखने में ठीक है। एडमिट में तो वापस क्या है वो कि आज हम करेंगे 2021 का मई जून जो वो बच्चे कर रहे हैं टीचरों ने, बच्चों ने कर लिया टीचर ने डिस्कस कर लिया, डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। डिस्कशन का मतलब है आप कॉन्सेप्ट को रिइंफोर्स कर रहे ठीक है। हाँ फातमा आ गई है, वेरी गुड फातमा, हाउ आर यू बेटा? फाइन सर, हाउ आर यू? तो फाइन, बस वी आर जस्ट डिस्कसिंग बेटा थोड़ी सी फ्यूचर की चीजें, एंड इट्स गुड कि आपने भी ज्वाइन कर ली। आई गॉट अ वर्कशीट जो हम मिलकर करेंगे टेम्परेचर और हीट के ऊपर, लेकिन खाकान इज आस्किंग हमारा सारा स्केड्यूल क्या है, तो मैं उसी पे उसके साथ बात कर रहा था, शेयर कर रहा था। टारगेट यही है कि हमारा 31 जनवरी तक हम अपना सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एग्जाम प्रिपरेशन। या जब एक आध वीक और एग्जाम प्रिपरेशन में उससे पहले अगर हम रिवीजन एंड एग्जाम प्रिपरेशन रखें तो वो हमारा ज्यादा एक सॉलिड चंक बनता है। एकेडमीज में यूजुअली पीपल दे जस्ट आस्क फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, और एग्जाम प्रिपरेशन में स्टार्ट करते हैं वो पास पेपर्स के साथ, और पास पेपर्स में लोड करते क्या है बेटा, वो आपका 21 का मई जून का पेपर करवा दिया और फिर उसको डिस्कस कर लिया हर क्वेश्चन को। दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट द प्रेपरेशन टू अटेम्प्ट द पेपर, दैट इज जस्ट द रीइन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ठीक है, जो रिविजन में होता है। एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब होता है कि पेपर जब आपके पास आएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आए कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसमें लिखना क्या है, इसमें कैसे लिखना है ठीक है बेटा। तो एग्जाम प्रिपरेशन से पहले पहले आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल चमक जाएं ओके। आप लोग जो पेपर करते हो स्कूल में भी यहाँ पे भी, वो सारी की सारी प्रैक्टिस है आपकी एमसीक्यूज की। आपको पेपर 2 और पेपर 4 नहीं अटेम्प्ट करना, आपका पेपर 2 और पेपर 4 जब मैं कह रहा हूं दैट मीन्स कि आपको जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं, जो लिखने वाले आंसर्स हैं बेटा, वो नहीं सिखाए किसी ने, ना ही स्कूल में और ना ही यहाँ पर। मैं आपको वो आंसर देना सिखाऊं कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए फातिमा, बिकॉज आपका भी वही लेवल है अच्छा इंटेलिजेंट जो खाकान के, और आप लोग समझ सकते हो।
कि अगर कोई कहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड डिफाइन, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है स्टेट वेलोसिटी और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन वेलोसिटी, अब दोनों में हमने इंशाल्लाह एक जैसे ही आंसर लिखने, हालांकि ये दोनों डिफरेंट है, स्टेट का मतलब डिफरेंट है, डिफाइन का मतलब डिफरेंट है। फातिमा समझ रहे हो बेटा? और इसी तरह से yes, अगर क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब से स्टार्ट हो या एक्सप्लेन, तो हम इन दोनों का फिर मतलब वही लेते हैं। तो मकसद ये है बेटा कि जो क्वेश्चन वोकैबुलरी है उसको समझना, क्वेश्चन की नीड को समझना, एक तो आप क्वेश्चन समझ के फिर उसको बेटा अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। सो फिजिक्स का पेपर जैसे आप मोती नहीं परोते हो ऐसे है, इट्स नॉट लाइक मुझे ये आता है तो मैं आंखें बंद करके लिख लो, नहीं, ये है बेटा एग्जाम प्रैक्टिस, ये मैं आपको करवाऊंगा। और उससे पहले हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15th फरवरी से 15th मार्च तक अपनी जो है ना रिवीजन सेशन ये करेंगे, और रिवीजन सेशन में हम हमारे जो थीम्स है ना 6 थीम्स, हम उनके ऊपर रिवीजन थीम वाइज रिवीजन करेंगे हर वीक में। जैसे जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड थीम यानी हमारा उसका आता है मेजरमेंट्स, ठीक है, और जनरल फिजिक्स के साथ काइनेमैटिक्स, अब काइनेमैटिक्स के साथ हम डायनेमिक्स और एनर्जी, इन दोनों तीनों को मिला के एक पूरा टॉपिक बनाएंगे बड़ा सा। इसकी हम एक दिन में पूरे की रिवीजन करेंगे, टॉपिक वाइज सारा देख लेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फिर मैं आपको इस पे कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट्स दूंगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ के साथ, आप लोग अटेम्प्ट करोगे और हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एकेडमीज में पास पेपर से होते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थीम वाइज चलेंगे। वंस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट, फिर मैं आपको जैसे बिगर चंक्स में टेस्ट दूंगा, जैसे 9th का सिलेबस आपका चैप्टर 1 मेजरमेंट से लेके तो हम वेव्स तक पूरा उसका टेस्ट, फिर हम लाइट से लेके तो आगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तक या मैग्नेटिज्म तक उसका एक टेस्ट, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कंप्लीट टेस्ट, फिर रेडियो एक्टिविटी का एक टेस्ट, फिर हम एक पूरा टेस्ट और फिर एक और टेस्ट, ये इस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इन अ मंथ्स टाइम, पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग बाय दिस टाइम। फिर हम पेपर्स पकड़ेंगे, 2021 से स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड, आप जब पेपर पहला अटेम्प्ट करोगे वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आपने कैसे देना है, फिर हम उसके आंसर्स को कंपेयर करेंगे। तो इट विल टेक लाइक अ वीक्स टाइम कि जब आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू होएगा और आप उसका आंसर फ्रेम करना सीखोगे, इट विल टेक अ वीक्स टाइम, एक दो दिनों में नहीं आएगा। आप आंसर लिखोगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, सारे आंसर लिखेंगे, सबके आंसर को हम चेक करेंगे और फिर देखेंगे व्हाट वाज द नीड ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा सा सीखोगे, फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिर उस पर डिस्कशन होगी। इस तरह से करते करते यू विल बी ऑन द ट्रैक, जब वंस यू विल बी ऑन द ट्रैक फिर हम पास पेपर स्टार्ट करें, ठीक है, फिर आपकी वो एग्जाम प्रेपरेशन होती है, फिर हम देखेंगे साथ के साथ एग्जामिनर रिपोर्ट्स के जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने क्या कहा है इन पेपर्स के मुतालिक, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे तो उसमें से कॉमन मिस्टेक्स निकलती हैं जो स्टूडेंट्स ने की होती है, हम वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे कि हमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट रीइन्फोर्समेंट रिवीजन में होएगा, आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और कॉमन मिस्टेक्स, ये मिला के हमारा एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन का सेशन बनता है, ठीक है, जो इंशाल्लाह हम लोग 15 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स हम कोई इसको 15 मार्च तक का प्रोग्राम है मेरा या 31 मार्च तक ये हम कंप्लीट कर देंगे, फिर अपने ओन पे अप्रैल का महीना अपने ओन पे पढ़ो बेटा और एग्जाम में अपीयर हो, ठीक है, ये प्लान है सारा। आई एम श्योर फातिमा काफी फायदा हुआ होगा आपको, ये सारी चीजें बेटा इसलिए बताइए कि इनकेस आपको अगर खुद से भी प्रेपरेशन करनी पड़ती है तो आपको स्टाइल पता हो कि आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना होता। ये है कि
इस स्टाइल से जब आपकी प्रेपरेशन होती है तो जो बच्चे विद नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं या जिन्होंने कम पढ़ा हुआ होता है, तो उन्होंने जितना पढ़ा होता है उसको अच्छी तरह से वो सीख लेते हैं और फिर उसी पोर्शन में से वो अपने कुछ ना कुछ ग्रेड को अपलिफ्ट कर लेते हैं। तो रादर लाइक स्टेइंग एट ई और डी, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, सी और बी के करीब पहुंच जाते हैं, इंप्रूव होता है ग्रेड। ठीक है बेटा, ये है सारा हमारा प्लान। ओके, सो आई एम श्योर आप लोग आज पढ़ने के लिए अच्छा आए, और मैंने भी आपको थोड़ा काम करवाना है। आई गॉट अ वर्कशीट जो हम मिलके भी करेंगे। उससे पहले एक भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मेरे पास स्टेट से रिलेटेड, आई जस्ट नीड टू आस्क दोस क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, हमने इज इक्वल्स टू एम सी थीटा तक की बात कर ली थी या एम सी डेल्टा टी तक की बात कर ली थी, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, हो गया था यहां तक? ठीक है ना, इसमें हमें पता है एनर्जी, मैथ ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक हीट एंड हाउ मच चेंज इन टेम्परेचर यू आर लुकिंग फॉर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास, कभी आपने वो देखा है, बल्कि आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, गर्मियों में कभी कभी आपको बड़ी शदीद प्यास लगी होती है, तो आप देखते हैं फ्रिज में कोई पानी की बॉटल नहीं है, तो फिर आप फ्रीजर में से कुछ निकालते हो, तो उसमें जो वो आइस बनाने के लिए पॉट रखा होता है वो ही निकाल देते हो आप बाहर, और उसमें आप देखते हो कि उसके अंदर साइड्स पे तो यहाँ यहाँ तक तो सारी आइस बन गई होती है, और उसके बीच में वाटर होता है यहाँ पे गंदा। ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। ठीक है, फिर आप यहां से उसको तोड़ते हो, घटा घट करके पानी पीते हो, मजा आता है ना। माय क्वेश्चन इज, इसके इसका टेम्परेचर क्या होता है, इस मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर का क्या, या मेरे पास अगर कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें मैंने आइस और वाटर या मेल्टिंग आइस रखी हुई है और उसमें ये पानी है, पानी बन जाता है ना, ये इस मिक्सचर का क्या, इन दोनों का क्या टेम्परेचर है? जीरो काम थे इसके, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। जी फातिमा, आपका क्या ख्याल है बेटा? सर 0 ही होगा। 0 है, इसका मतलब आइस भी 0 है और वाटर भी 0 है। नहीं, आइस का 0 होगा, वाटर का 4 डिग्री तक होगा आई गेस। नहीं, वाटर भी, बिकॉज वाटर 0 पे जाता है ना, सिर्फ एक्सपेंड होता है ना, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, पागल हो जाता है, लेकिन स्टेट उसकी चेंज हो जाती है ना, फ्रीज हो जाता है 0 पे, 4 पे नहीं फ्रीज होता, 0 पे फ्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, यानी जो मिक्सचर है, जो ब्लेंड है आइस का वाटर का, इन दोनों का कंबाइंड अगर आप थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इट मीन्स वी कैन हैव वॉटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी कैन हैव आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, लेट सपोज के ये मिक्सचर था जिसको मैं हीट कर रहा हूं बर्नर के साथ, और इसमें हमने एक थर्मामीटर भी डिप किया हुआ है, और ये आइसी वॉटर है, आइस भी इसके अंदर ये थर्मामीटर है। ठीक है जी, अब और ये 100 डिग्री सेल्सियस, अभी जो इसका मरकरी का लेवल है जो यहां तक गया हुआ है, ओके 0 का, मैंने इसको हीट करना क्यों दिया? हीट हो रही है जी, जब ये हीट हो रहा है बेटा, मुझे बताएं कि हम इसको साथ साथ टर्न भी कर रहे हैं, हिला भी रहे हैं इस लिक्विड को, मिक्सचर को, ये टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, टेम्परेचर किधर है? 0 का 0, हालांकि हमने इसको बर्नर के नीचे रखा हुआ है, तो
डोंट यू थिंक यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जा रही है पार्टिकल्स के अंदर या हीट एनर्जी जा रही है पार्टिकल्स के अंदर? हीट एनर्जी फ्रॉम द बर्नर इज बीइंग ट्रांसफर टू दिस मिक्सचर, तो फिर इसका टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होना चाहिए। तो आइस का टेम्परेचर जीरो में आके रुक गया है, तो आइस को आप 1 डिग्री या आइस को आप 2 डिग्री पे जाना चाहिए था ना, हीट मिल रही थी उसको, तो क्यों नहीं जा रही आइस? सर चेंज ऑफ स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ओके, चेंज चेंज एंड स्टेट, ये आपने एक वर्ड यूज किया। ऑलराइट, खाकान का ये ख्याल है कि चेंज इन स्टेट है। ओके फातिमा, व्हाट डू यू थिंक बेटा? डू यू एग्री फातिमा कि इसका टेम्परेचर जीरो पे ही रहेगा और यू डिसएग्री टू इट? सर राइज होगा लेकिन स्लोली। अच्छा राइस होगा, यानी आइस का टेम्परेचर जीरो से ऊपर जाएगा, वन हो जाएगा टू? जी हीट अप्लाई होगी तो ऊपर जाएगा। आइस का टेम्परेचर कभी भी जीरो से ऊपर नहीं जाता, ठीक है? आइस जीरो में ही मेल्ट होती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब तक इधर आइस है इस सारे मिक्सचर का टेम्परेचर जीरो से राइज नहीं रहेगा। ऑल राइट, ये फैक्ट है। हमने थर्मामीटर लगाया है इसके अंदर, हीट दे रहे हैं, मिक्सचर कोई चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर में। यस, एक चेंज आ रही है, ये जो आइस थी ना ये मेल्ट हो रही है, ये मेल्ट होना शुरू हो गई। वॉटर एंड आइस बोथ वर एट जीरो और उसके बाद जब हीट थी तो आइस मेल्ट होना शुरू हो गई, तो क्या हो रहा था? चेंज इन स्टेट। दैट मीन्स वेन एवर देयर इज चेंज इन स्टेट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। पद्मा समझ आ रहा है? इसका मतलब है आइस मेल्ट हो रही है तो टेम्परेचर का राइज नहीं होएगा, जीरो ही रहेगा। इट मींस आइस का टेम्परेचर जीरो पॉसिबल है, वाटर का टेम्परेचर एट जीरो है पॉसिबल है, दोनों। समझ आ गई सर, मुझे गलती लग गई थी। कोई बात नहीं बेटा, गलतियों से तो हम सीखते हैं और आप इस क्लास में बहुत सारी गलतियां कर सकते हो, ठीक है? कोई बात नहीं होती। हाँ, समझने के बाद गलती करें तो फिर मुश्किल हो जाता है बेटा, फिर तो पनिशमेंट होती है उसकी, अभी कोई पनिशमेंट नहीं। अब समझ में आ गया बेटा? तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्टेट चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। कि फ्रीजिंग, आइस के लिए, हाँ मेल्टिंग, आइस के लिए मेल्टिंग कहेंगे और वाटर के लिए फ्रीजिंग कहेंगे। शाबाश, यानी वाटर अगर है 10 डिग्री और फिर वो यहां से जा रहा है जीरो तक और जीरो से जीरो आइस तक और फिर आइस जा रही है -10 डिग्री तक, तो ये जो स्टेट है ना बीच वाली, ये वाली स्टेट जीरो वाटर से जीरो आइस तक, वाटर से आइस, इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो वाटर फ्रीजेड है जीरो, तो अब वो एकदम से सारा ऐसे करके नहीं आइस बन जाता, आहिस्ता आहिस्ता बन। और जब हम आइस को हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ आइस, यहां से आइस हीट हो रही है, जब हीट होगी तो फिर क्या होगा? मेल्टिंग है ना, तो जब हम मेल्ट करते हैं किसी चीज को तो वो एकदम से नहीं सारी मेल्ट हो जाती, वो भी ग्रेजुअली मेल्ट हो। तो बेटा फ्रीजिंग और मेल्टिंग दोनों में राइज इन टेम्परेचर नहीं है, तो फिर ये हीट किधर जा रही है? ये वाली हीट ये किधर जा रही है?
इसको नहीं मिल रही बेचारे को, तो इसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज कर एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो स्टेट चेंज हो रही है। ठीक रहा? है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और किसमें स्टेट चेंज कर रहा है। तो ये हीट का हमें कुछ नजर नहीं आ रही, ठीक है, इफेक्ट सॉइल स्टेट वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही होती है। तो ये खास किस्म की हीट है जो नजर नहीं आती, इसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। चार लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है हमारे लैंग्वेज में? हिडन। लेटेंट का मतलब हिडन, नजर ही नहीं आता। हाँ, इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा लेकिन स्टेट को चेंज कर रहा है। सो दिस इज लेटेंट हीट। ठीक है बेटा, बात मान रही है कुछ कुछ? ओके, सो दिस लेटेंट हीट इज कॉल्ड हिडन हीट एज वेल। सो व्हेन देयर इज अ लेटेंट हीट देयर इज नो राइजिंग टेम्परेचर, रादर देयर इज अ चेंज इन द स्टेट स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? थ्री। शाबाश, और सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये थी आइस, आइस से क्या बना? यानी आइस थी सॉलिड, सॉलिड से क्या बना? लिक्विड। तो ये क्या हुआ? मेल्टिंग। अब लिक्विड से स्टीम बननी चाहिए, यानी जिसको हम गैस कहते हैं, वो कितने पे बनेगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगी स्टीम? 100 पे हम आइस तो नहीं कहते ना, 0 पे हम स्टीम तो नहीं कहते, तो इनके नाम है डिफरेंट। आइस 0, वाटर का 0 से 100 तक कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, और स्टीम का टेम्परेचर 100 होएगा। ठीक है जी। अब फातिमा, अगेन अगर आपको लेटेंट हीट का मतलब समझ में आ गया है, तो एक सवाल मेरा और भी है। लेट सपोज वी हैव वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर है, और ये बॉयल कर रहा है, ओह स्टीम निकल रही है इसमें, और ये बर्नर नीचे लगा हुआ है सख्त किस्म हीट का। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वाटर। ठीक है भाई फातिमा, ठीक है, लेट सपोज कि ये वाटर 100 में पहुंच गया। अब मैंने ये बर्नर फुल कर दिया, गैस तेज कर दी है इसकी, बल्कि मैं तो एक बर्नर और लगा देता हूँ। चलो जी, एक बर्नर और लगा दो। एक बर्नर क्या और लगाते हैं? दो तीन बर्नर लगा दो। हमने जी तीन बर्नर लगा, अब इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा? नहीं नहीं, नो। आम कह रहा है नो। अभी मैं पूछता हूँ वाई नो। ठीक है जी फातिमा, व्हाट डू यू थिंक? अगर हम एक की बजाय तीन बर्नर लगा दें यहां पे, तो अब टेम्परेचर वाटर का 100 से ऊपर, यस और नो? सर, प्रॉब्ली 100 से ऊपर टेम्परेचर जाने से पहले एवेपोरेशन हो जाएगी। शाबाश, ऐसे ही है ना, ये जो आप कह रहे हो, ये जो आप इसको एवेपोरेशन कह रहे हो ना, ठीक है, यस सर। बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन हम इसको एवेपोरेशन नहीं कहते, हम इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, वेपर्स बन रहे हैं और शावर वेपोराइजेशन। तो यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वेपर्स हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, और जिसकी एनर्जी इतनी हो गई है 100 डिग्री, वो यहां से बाहर निकल जाता है, वो रुकता ही नहीं है। अगर अगर वेपर्स अंदर ही रह जाए तो फिर उनका टेम्परेचर राइज करेगा, और अंदर ही नहीं रुकते तो बाहर निकलते जा रहे हैं, सारे वेपर्स निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो इस यहाँ पे जो वेपराइजेशन हो रही है, टेम्परेचर 100 तक ही है फिक्स, इससे ऊपर नहीं जाता, नो चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे नो चेंज इन टेम्परेचर तो हो रहा है, स्टेट भी तो चेंज हो रही है, वाटर से क्या बन रहे हैं? वेपर्स से स्टीम बन रही है।
तो फिर इसको कौन सी हीट कहते हैं? लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट ऑफ क्या बात है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। और ये वाली जो थी आइस बनने वाली, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर लिख देता हूं और ये स्टीम डाल देता हूं वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होती है? जब वाटर फ्रीज हो रहा होता है या आइस मेल्ट हो रही होती है। दोनों सूरतों में लेटेंट हीट कौन सी लगेगी? फ्यूजन की। एंड इट इज फिक्स्ड, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक हीट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों से डिफरेंट है। ये भी कांस्टेंट है, नंबर तीनों के अपने अपने कांस्टेंट है, फिक्स। ऑलराइट, समझ आ रहा है बेटा? ओके, तो अगर आपको इधर लिख रहा हूं ऊपर, अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गई है, तो बेटा आपका ये पूरा टॉपिक हीट वाला कवर हो जाता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट का भी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की तरफ फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एम एल, एम एल इज एम एनर्जी, एम इज मास, एल इज लेटेंट हीट। फॉर्मूला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूजन दोनों के लिए सेम है, ठीक है। दिस स्मॉल एल इट रिप्रेजेंट्स लेटेंट हीट, ये आपकी इंटेलिजेंस है टू सी कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली स्टेज है या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली स्टेज है, ठीक है। फॉर्मूला यही रहता है, बस उसमें मास के साथ लेटेंट हीट की वैल्यूज आपने खुद से पुट कर दी है, डिटरमाइन कर दी, ठीक हो गया बेटा? समझ आ रही है बात? आओ अब जरा एक सीधा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये वाली स्टेज और ये वाली स्टेज इन्वॉल्व है, ठीक है। यानी चेंज इन स्टेट वाला एक क्वेश्चन करते हैं हम सीधा सीधा सा। लो जी, ये एक बीकर है जिसमें 2 किलोग्राम्स ऑफ आइस, 2 kg आइस रखा हुआ है और इसको आपने हीट करना है और क्या बनाना है इसको? स्टीम। हाँ जी, अभी आइस का भी हम जरा बता देते हैं कि इसका क्या हाल है। बर्नर फ्लेम और आइस का टेम्परेचर है जी, आइस एट -4 degrees Celsius। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, फातिमा कैन यू सी दैट बेटा, या बड़ा कर दो? बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। दिस 2 किलोग्राम्स ऑफ मास इज आइस एट 4 degrees Celsius, सॉरी -4, 4 पे तो वाटर होगा, -4। ओके, ठीक है बेटा।
आइस एट -4 डिग्री सेल्सियस, आपने हीट करना शुरू किया, मैं देख तू यहां पे -4 था टेम्परेचर, आपने हीट करना शुरू किया तो टेम्परेचर पे क्या होना शुरू हो जाएगा, राइस कहां तक, टेम्परेचर पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 पे क्या है, आइस, आप इसको हीट करते जा रहे हो, टेम्परेचर चेंज होएगा, कब तक चेंज नहीं होएगा, जब तक सारी की सारी आइस वाटर में ना कन्वर्ट हो जाए, आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्रीज, शाबाश। फिर वाटर जब बन गया 0 डिग्री पे, तो अब वाटर का टेम्परेचर राइज होएगा, yes, किधर तक, 100 तक, 100 पे क्या है, वाटर, अब ये सारा वाटर बन गया, आइस खत्म हो गई। ठीक है, अब 100 पे पहुंच के इसमें से वो निकल गई स्टीम, ठीक है। अब मैं इसको हीट करता जाऊं तो टेम्परेचर विल रिमेन एट 100 और वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स, वेपराइजेशन, वेपर्स या स्टीम, स्टीम इज अ बेटर वर्ड, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा कितने पे, ऐसे ही, और सारे जो सारा पानी अगर गायब हो जाएगा, खाली मेरा कंटेनर रह जाएगा जो सूख जाएगा आग पे पड़ा पड़ा, होता है ना इस तरह से, कभी कभी आप कोई चीज चूल्हे पर रखने पर भूल जाए तो उसका बेचारे का पकौड़ा बना हुआ होता है। ओके, ये सारी सिचुएशन है बेटा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, एक कर्व बनाना चाहूं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कैसे बनेगा, फातिमा आर यू देयर? यस सर। ऑलराइट बेटा, हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन का, तो कैसे, टेम्परेचर एंड टाइम का ग्राफ बनाना है। लेट सपोज आपका P4 है, अब क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस पे क्या लोगे और वाई एक्सिस पे क्या लोगे आप, पहले बात में फिर आप, आज दो ही बच्चे हैं इसलिए सर आई गेस टाइम हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, टाइम हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, बिल्कुल सही, शाबाश, टाइम आ गया, बिकॉज टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट शाबाश, ठीक है फरहान, और टेम्परेचर हम वाई एक्स लाएंगे, बिल्कुल सही है, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, ठीक है जी। अब कहां से स्टार्ट लेना है हमने, माइनस, तो -4 इज समवेयर हियर, -4 ये 0 है, ठीक है, 0 को मैं इससे डिनोट करूं, और ये हमारे पास 100 है, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, टाइम मिनट्स में कर रहे हो, ठीक हो गया बेटा। अब हमने -4 से इसको हीट करना शुरू किया, तो थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर यानी राइज होते 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 कितना हो गया, 0। अब 0 से बंद पे हो गया या कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम लगा, यानी 0 पे ये स्टेट देयर फॉर सम टाइम, मेबी 5 मिनट्स, और फिर जब सारे का सारा वाटर बन गया 0 पे, तो फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू, कहां तक गया, 100 तक, ये आ गया 100, ठीक है जी, 100 का टाइम। हाँ जी, अब 100 पे जाके क्या हुआ, रुक गया, और यहां पे क्या हो रही है, अब आपने आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है,
यहाँ पे स्टेट क्या है? वाटर स्टीम, स्टीम स्टीम यहाँ पे स्टीम। यहाँ पे क्या स्टेट है? वाटर लिक्विड यानी वाटर। और यहाँ पे क्या है? आइस आइस। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे क्या है? वाटर एंड स्टीम दोनों ही है ना। बिल्कुल टेम्परेचर कितना है वाटर एंड स्टीम का? बिल्कुल शाबाश बेटा, यहां पर क्या है? वॉटर एंड आइस। टेम्परेचर क्या है मेल्टिंग हो रही है इस जगह पे, मेल्टिंग जी बेटा? टेक्स प्लेस। यस, दीज आर द स्टेजेस वेयर मैटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट। गुड, तो इन स्टेजेस पे दोनों थे, इसका मतलब वाटर का भी टेम्परेचर जीरो हो सकता है और है, आइस का भी जीरो हो सकता है और है। इस स्टेज पे स्टीम भी है और वाटर भी है, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है। स्टीम 0 कैसे हो सकती है? ठीक है ना। हाँ, यहां पर ये चीज। ऑलराइट, अब मुझे आप ये बताओ यार कि अगर एक बंदा खुदा ना खास अंदर ना करे, ही गेट बर्न्ड विद वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और एक बंदा है जो ही इज बर्न्ड विद स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्वेयर बर्न किसको आएंगे? कौन ज्यादा बेचारा जख्मी होएगा, जो जला है वाटर एट 100 के साथ या जो जला है स्टीम एट 100 के साथ? सर स्टीम से। सर ऑलराइट, फातिमा का ख्याल है स्टीम। खाकान, आप क्या सोचते हो? खाकान का ख्याल है इक्वल। क्यों बेटा? सेम सेम टेम्परेचर पे है तो दोनों को इक्वल बर्न आएंगे। ऑल राइट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। गुड जी फातिमा, आप क्यों सोच रहे हो बेटा कि स्टीम से ज्यादा स्क्वेयर बर्न आएंगे? सर, मैंने इसको रोटी की फूंक से लेट किया था सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपका आंसर ठीक है। पता है आपको? हाँ, अब सोचोगे क्यों? देखो बेटा, वो नॉलेज जो याद रहे उसी का तो मजा है, जो भूल जाएगी उसका क्या फायदा? तो याद कैसे रहती है? रीजनिंग के साथ, जब आप उसको कनेक्ट करते हो विद रियल लाइफ। मैं आपको ये जो ऊट पटांग एग्जाम्पल्स देता हूँ, ये क्यों देता हूँ? ताकि आपको अच्छा समझ में आए, बिकॉज ये डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स होती है, इसलिए। ऑलराइट, चलो जी बताओ क्यों ज्यादा बेचारे को साड़ा लगेगा अगर वो स्टीम से सड़ेगा? तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ऑल राइट, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होती है उनकी? वाटर की निस्बत उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है? सही सोच रहे हो, क्योंकि उसने लेटेंट हीट भी एब्जॉर्ब की होती है। ठीक है, यस फातिमा, जो वाटर है उसमें 100 डिग्रीज है टेम्परेचर, उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की है, इंटरनल एनर्जी राइज हुई है हीट एनर्जी की। लेकिन जो स्टीम है विच इज एट 100, उसकी स्टेट भी तो चेंज है, और स्टेट चेंज में उसने और ज्यादा एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब की थी, तो उसकी स्टेट चेंज हुई है। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट उसने एब्जॉर्ब की हुई है, जिससे हीट चेंज हुई है, दैट एक्स्ट्रा हीट विल गिव एक्स्ट्रा बर्न्स। ठीक है, तो जो बेचारा स्टीम से सड़ेगा वो लग पता जाएगा उसको, अल्लाह ना करेगा। ठीक है, तो स्टीम गिव्स मोर स्क्वेयर बर्न्स एज कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्रीज, बिकॉज इट हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन इट, उसके अंदर लेटेंट हीट भी है। ओके, बात मान रही है? लेकिन तुम्हारी जान अभी छुटनी नहीं है, एक छोटी सी चीज और बस लास्ट चीज, और फिर उसके बाद खत्म। मुझे ये बताओ, अगर मैंने राइज इन टेम्परेचर आइस का 4 -4 से 0 तक अगर मैंने फाइंड करने की कितनी एनर्जी इसमें ली होगी, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? E इज इक्वल्स टू
इधर मैंने बता दिया। अच्छा चलो इधर देख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू एम सी एम सी डेल्टा टी या एम सी इज इक्वल्स टू एम एल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पेज पे? ए बी सी एंड डी, चारों स्टेजेस का बताओ मुझे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला विल हेल्प मी टू कैलकुलेट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू सो। जी ए पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इस स्टेज पे? इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी का या डेल्टा टी, शाबाश। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर। हाँ अब बी पे कुछ चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है? नो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस एग्जैक्टली, इज इक्वल्स टू एम एम एल, और एल पे कौन सी लेटेड हीट लगेगी? लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन? फ्यूजन, शाबाश। फिर वाटर एट जीरो से वाटर एट हंड्रेड तक राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। फातिमा आप बताइए बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो कैलकुलेट सर, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ, देखो वाटर एट जीरो से भी वाटर एट हंड्रेड जा रहा है, ठीक है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी विच वी हैव प्रोवाइडेड टू इट। तो एनर्जी के ये दो फॉर्मूले हैं, इज इक्वल्स टू एम सी थीटा एंड इज इक्वल्स टू एम एल, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस स्टेज पे लगेगा चेंज इन टेम्परेचर वाली स्टेज पे? एम एल या एम सी थीटा? और जब ये स्टीम बन रही है यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वॉटर से स्टीम, विच फॉर्मूला, एम सी डेल्टा थ्री या एम एल? ML? ML, और L लेटेड हीट कौन सी वाली होगी यहाँ पे? सर आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, कनेक्शन की वजह से आवाज नहीं आई। लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन, कौन सी लेटेड हीट होगी ये? वेपराइजेशन। एक्सेलेंट, वेपराइजेशन, यहाँ पे वेपर्स वाली, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां पर टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहूंगा, टोटल एनर्जी कितनी लगी है, तो आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दीज एनर्जी, E1, E2, E3, E4, तो टोटल E विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? So, this was all about heat. ठीक है, हमने हीट का लेटेंट हीट वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब इसमें कोई शायद एक दो ही क्वेश्चन के चीजें रह गई हो। इसको बेटा हम कौन सा कर्व कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो वी कॉल इट हीटिंग कर्व। ये कौन सा कर्व है? हीटिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व भी होएगा कोई, वो कहां से स्टार्ट होएगा? वो इधर से नीचे की तरफ आएगा, उसको हम कूलिंग कर्व कहेंगे, ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चंस? बात में एनी क्वेश्चंस बेटा? नो सर। ऑलराइट, वी आर डन विद दिस नाउ, इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी, ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़।